दोस्तों आज हम आपको नए डिजाइन बनाएंगे और सिंपल डिजाइन है, आसान तरीका से आप लोग सीख जाएंगे। तो नए जो सीखते हैं बच्चे उसके लिए बहुत आसान है बनाना। तो सबसे पहले दोस्तों हम लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लंबाई 14 इंच लिए हैं, अब देख सकते हैं 14 इंच मेरा लंबाई है। और यहाँ पर निशान लगाएंगे 9 इंच पर, आप 10 इंच पर भी दे सकते हैं। तो पीछे की भाग हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे, इसी वजह से हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अगर आप चाहे तो पीछे की भाग आप कम पट्टी रखना चाहते हैं तो आप 10 इंच ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं और इधर भी 2 इंच लेंगे जो कि गर्दन की साइड है, और इसके बराबर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बराबर कर लिए हैं और इसको हमें गुलाई करना है। गुलाई किए हैं और इसको हम छोड़ देते हैं, ये मेरा पक्की नाप है। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच पर सिलाई देंगे, 1.5 इंच पर फिर नाप लेंगे जो कि मेरा डिजाइन बनेगा। तो ये देखिए दोस्तों जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर 1.5 इंच पर हम निशान लगा रहे हैं। तो फिर इसको हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, तो इधर भी 1.5 इंच लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच लिए हैं और इसको हम पलट लिए हैं और इधर भी हम 1.5 इंच लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1.5 इंच पर जो निशान लगाए हैं डिजाइन के लिए, और उसी 1.5 इंच पर हम ऊपर की साइड में डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले नीचे की साइड डिजाइन बना रहे हैं और एक डिजाइन बन चुका है, तो दूसरा डिजाइन के लिए हम फिर इधर से पेन को खींचेंगे, पेंसिल को, और फिर इधर से हम बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाना है। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं डिजाइन के लिए, और जिस तरह से मेरा डिजाइन है उसी तरह से मेरा कटिंग होगा। तो देखिए दोस्तों जैसे जैसे हमने यहाँ पर पेन की मदद से निशान लगाए हैं डिजाइन के लिए, उसी तरह से मैं यहाँ पर काट रही हूँ। सबसे पहले हम इस तरह से काट रही हूँ, यानी कि पीठ की साइड से, और थोड़ा सा आराम से काटना। मेरे कैंची की कैंची जो है दोस्तों उसमें धार नहीं है, उसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आप आराम आराम से काट सकते हैं ताकि कटिंग थोड़ा सा इधर उधर ना हो, तो आराम से इसको काटिए। तो इसी तरह से हमें पूरा काटना है। तो देखिए हमने इस तरह से निशान लगाए हैं, तो इसी तरह से पूरा कटिंग करना है। तो पूरा हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा कटिंग पूरा हो चुका है, और यहाँ पर हम बाजू का नाप लेंगे, जिस साइड हम बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू की लंबाई हम 5 इंच लेंगे, तो बाजू की लंबाई 5 इंच ले लिए हैं और यहाँ पर हम निशान लगा देते हैं, और उसी निशान पे हम थोड़ा सा पेन की मदद से यहाँ पर निशान लगाएंगे, और इसको करीब हम 1.5 इंच, 1 से 1.5 इंच हम तीरा लेंगे यानी कि गहराई, और उसके बाद हम इसको कट कर देते हैं। दोस्तों बाजू की कटिंग हो चुका है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा कपड़ा लिए हैं जो कि हम पट्टी में जोड़ेंगे पीठी की साइड। आप चाहे तो उस तरह से कटिंग बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिए हैं, छोटा सा टुकड़ा है, और उसको हम सिलाई करेंगे। तो दोस्तों हम सिलाई करेंगे जिस तरह से मेरा कटिंग है उसी तरह से करेंगे। हम सिलाई को थोड़ा सा चाप को उठा उठा करके हम यहाँ पर सिलाई दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चाप को उठा लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पर सिलाई कर रहे हैं ताकि सेम टू सेम मेरा डिजाइन बन जाए। तो अंदर में जो कपड़ा है उसको हम इसी तरह से, देखिए यहाँ पर हमने चाप को उठा लिए हैं, अब यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं। इस तरह से आपको सिलाई करना है।
तो देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा सिलाई हो गया है। तो यहाँ पर हमने उठा करके किए हैं सिलाई को, तो इसी वजह से थोड़ा सा तीरा हुआ है, तो आप इसी तरह से करना। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर लिए हैं सिलाई को, तो देखिए ऐसा हुआ है मेरा डिजाइन बन करके। और यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको पलट लेते हैं, आप चाहे तो पेन की मदद से पलट सकते हैं, तो पेन की मदद से पलटेंगे तो और अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने पलट लिए हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा हम पलट लिए हैं। अब जिस तरह से हम चाप को उठा करके हमने सिलाई दी है, तो उसी तरह से हमें यहाँ पर सिलाई देना है। तो हम सिलाई चालू कर रहे हैं, तो देखिए हम इस तरह से चाप को उठा करके हम सिलाई यहाँ पर भी दे रहे हैं, ताकि मेरा सिलाई जो है डिजाइन में अच्छी तरह से बन जाए और सेम टू सेम हो और फ्रेश हो डिजाइन, ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम छोटा सा कपड़ा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिजाइन बनाएंगे तो डिजाइन बनाने के लिए कपड़ा थोड़ा सा लिए हैं, करीब 5 से 6 इंच लंबाई लिए हैं। और यहाँ पर हम सिलाई कर रहे हैं इसको, ताकि इसका डोर बन जाए, डोर बनाएंगे और डोर जो है यहाँ पर डिजाइन बनाए हैं उसी डिजाइन में हम जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर डोर भी बना करके हमने यहाँ तैयार कर लिए हैं बना करके। तो अब मैं इसको सुई की मदद से यहाँ पर ज्वाइंट करूँगी, तो सुई धागा ले लेते हैं छोटा सा सुई, और अब हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ज्वाइंट किए हैं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, एक बाकी है मेरा। तो देखिए हम इस तरह से सुई लगाएंगे और करेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा से करना, ऊपर की साइड से, अंदर की साइड से मतलब धागा आनी चाहिए, बाहर की साइड से नहीं। अगर बाहर की साइड से मेरा धागा आएगा तो दिखाई देगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से अंदर की साइड से धागा होनी चाहिए तो बहुत अच्छी होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने 4 पीस लगा लिए हैं, बाकी जो 5वां पीस मेरा बचा हुआ है लगाने के लिए डिजाइन, उसमें हम नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर एक डोरी जो है मेरा, वो डोरी को हम हाथ में ले लिए हैं और डोरी को डबल किए हैं, और डबल करके उसके जो बीच की भाग है उसमें हम फंसा करके इसको पलट लिए हैं, और पलट करके फिर जो 5वां भाग है नीचे की साइड जो मेरा तीरा हुआ बनाया हुआ है, तो उसमें हम इसको बांधेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर हम इसको पलट लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि यहाँ पर गांठ लग जाए, गांठ लगने के बाद जो है इसका डिजाइन अच्छी तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर एक सुई की मदद से हम इसको यहाँ पर बांधेंगे, ताकि यानी कि गांठ लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरह से मेरा डिजाइन बन जाए। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से गांठ लगा लेते हैं, यानी कि बांध लेंगे सुई की मदद से। तो सुई की मदद यहाँ पर हम ले रहे हैं, तो अच्छी तरह से फिर देखिए यहाँ पर हम अंदर की ही साइड से सुई को लगा रही हूँ, बाहर की साइड से नहीं लगा रही हूँ। अगर बाहर की साइड लगाएंगे तो दिखाई देगा, तो इसी वजह से हम अंदर की ही साइड से लगा रही हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर फिर एक डिजाइन बनाएंगे, यानी कि फूल बनाएंगे। तो फूल बनाने के लिए हमें उसी तरह से जैसे कि हम डोर बनाए हैं, तो उसी तरह से इसको हम बनाए हैं, थोड़ा सा 1 से 1.5 इंच ये चौड़ा है। आप चाहे तो 2 इंच बना सकते हैं, जितना बड़ा चाहे उतना आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बना करके पलटा लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर हम जो सारे बनाए हैं मतलब डोर बनाए हैं, उसी तरह से चोली वाली डोर है, इसको हम बना लिए हैं। और सुई की मदद से इसको हम डिजाइन बना रहे हैं, तो इसको हम डिजाइन बना लेते हैं पूरा। और सुई हम बाहर निकाल लिए हैं, तो ये धागा को हम अच्छी तरह से बांध लेंगे, ताकि ये टूट ना जाए। तो अच्छे से गांठ लगाना है, ताकि गांठ लगाएंगे तो मेरा डिजाइन जो है अपने आप ये बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर डिजाइन लग रहा है बन करके मेरा फूल, जो कि इसके ऊपर हम बनाएंगे। और आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं, मैं मोती भी लगाऊंगी और फूल भी लगाऊंगी। तो देखिए मेरे पास मोती है, थोड़ा सा फ्रॉक वाला था, आप चाहे तो अच्छे वाले मोती दे सकते हैं। तो ये दोनों जो है मेरे पास खुला हुआ, तो इसको हम अच्छी तरह से सिलाई कर लेते हैं, ताकि और ये दिखाई ना दे, आपस में ये अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये दोनों टोर जो है इसको हम सी लेते हैं। दोस्तों मैंने अच्छी तरह से सी लिए, और यहाँ पर देखिए हम फूल को बिठा दिए हैं, और उसके ऊपर हमने मोती लिए हैं और मोती को भी बिठा दिए हैं। अच्छी तरह से मोती को इसमें हम लगा लेंगे, ताकि खुले ना।
तो अच्छी तरह से यहाँ पर हम सिलाई कर लेते हैं सुई की मदद से। तो देखिए दोस्तों इस तरह से बना लिए हैं। दोस्तों सबसे सिंपल और आसान डिजाइन है, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए इस डिजाइन को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये डिजाइन। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।